अस्सलाम वालेकुम, मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से हमारे देखने वालों को खुशामदीद। मेरा नाम शाजिया रफीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज ए काउंसलर अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर गाहे बगाहे लाइव सेशन का इनेकाद करता है और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने जिस टॉपिक पर बात करने के लिए इस लाइव सेशन का इनेकाद किया है वो टॉपिक है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी कि पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा दूँ। हमें आज ज्वाइन किया है वकार बेग ने। मैं इनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ही इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद फास्ट यूनिवर्सिटी। ही हैज़ ए वास्ट एक्सपीरियंस एज ए रिसर्चर, मेंटर, स्पीकर, करियर एंड एजुकेशनल काउंसलर एंड ऑल्सो ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ अ वेरी फेमस फेसबुक ग्रुप नेटवर्क, स्कॉलरशिप नेटवर्क एंड ऑल्सो द पेज। इनका तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने में, उनको मेंटर करने में। इन्होंने इस सारे अरसे के दौरान हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में गाइड किया है। यहाँ पर मैं ये बयान करती चाहूँ कि इनकी जो सारी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ चार्ज हैं। ये अपनी कंसल्ट करने की, स्टूडेंट्स को कंसल्ट करने की, ये सारी इंफॉर्मेशन देने की ये कोई चार्जेस नहीं लेते, विच इज़ वेरी ग्रेट। मैं आपको आज के शो में वेलकम करती हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ उन लोगों के बारे, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, ताकि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर है क्या। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का क्याम 2016 में पाकिस्तान में हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में इसके दो सेंटर हैं, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इज़ फाउंडेड बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फोर्सेस पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बेसिकली चार तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारी पहली जो सर्विस है उसको काउंसलिंग है। काउंसलिंग में जिस तरह के हमारे इदारे के नाम से जाहिर है कि ये माइग्रेशन से रिलेटेड है, काउंसलिंग में वो सारे लोग हम उनको काउंसिल करते हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे जॉब के सिलसिले में, स्टडीज़ के सिलसिले में, किसी भी पर्पज़ के सिलसिले में वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें उस सिलसिले में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमारा हॉटलाइन नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, जिस पर वो लोग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिसेज को विजिट कर सकते हैं कि जो कि इस्लामाबाद में और लाहौर में हैं। आप फेसबुक पेज पे हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको जब माइग्रेशन की मैं बात करती हूँ तो माइग्रेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर को अप्रोच करके अपने सवाल के जवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बयान करती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज नहीं करते। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की दूसरी सर्विस है रेफरल, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है। जैसे सपोज आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है, आपने किसी एजेंट को पैसे दिए हैं, आपने कहीं अप्लाई करना है किया है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम रेलिवेंट अदारों के साथ आपका कॉन्टेक्ट कराएंगे, हम वी विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोथ डिपार्टमेंट जिनके साथ आपको काम होगा। हमारी तीसरी सर्विस जो है वो है प्री डिपार्चर सर्विस। प्री डिपार्चर की सर्विस उन लोगों के लिए है जो मुल्क से बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका किसी मुल्क में एडमिशन हो गया है या आपको किसी दूसरे मुल्क में जॉब मिल गई है, अब आप जिस मुल्क जा रहे हैं उस मुल्क से मुतल्लिक जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत वो आपको होगी वो हम स्पेसिफाइड करके आपके साथ शेयर करेंगे, उस मुल्क के कल्चर के बारे में, उस मुल्क के लॉस के बारे में, एज ए इमिग्रेंट माइग्रेंट आपके क्या राइट्स हैं, वहां जाके आपको कैसे रहना है, इस सारी की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी चौथी सर्विस जो है वो है आउटरीच। आउटरीच में हम खुद से कम्युनिटीज में जाते हैं उन लोगों को जिनको माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में नहीं पता, उनको हम इमिग्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिस तरह लीगल इनलीगल माइग्रेशन है और जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है वो हम साथ शेयर करते हैं। आउटरीच में जिस तरह हमने आज इस लाइव सेशन का इनेकाद किया है और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में लोगों तक इस टॉपिक को लेके अवेयरनेस फैलाई जाए
और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो आगे चल के जो वो फैसला करेंगे मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में उसमें उनकी मदद कर सके। ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का। अब मैं चाहूंगी कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और उस टॉपिक पे बात करने के लिए जिस तरह मैंने आपसे अभी आपको बताया कि हमें ज्वाइन किया है बकार बेग ने, मैं अगेन उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के सिलसिले में, क्यों जाना चाहते हैं, लाइक उनको क्या उसमें नजर आता है, या उसमें जब हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो क्या स्कॉलरशिप का चार्म होता है इसलिए वो मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले जी सलाम अलैकुम जो इस वक्त मुझे देख रहे हो सुन रहे हैं, और थैंक यू सो मच शाजिया फॉर इनवाइटिंग मी, और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर फारूक फ्रॉम दम्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया MRC से मुझे। और बिल्कुल जी मेरे लिए भी इंट्रोडक्शन काफ़ी न्यू है MRC का एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बट यस आफ्टर हेयरिंग ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो जी बिल्कुल आज का टॉपिक कि स्कॉलरशिप्स के बारे में, और तारुफ में बताया गया कि मैं वी आर वर्किंग लाइक 12 और 13 ईयर्स से हम ये काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम हेल्प आउट करते हैं बाहर पढ़ाई के लिए, उनके स्कॉलरशिप्स के सिलसिले में उनको हेल्प आउट करते हैं, और हमारा जो सब कुछ सिस्टम है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, और जो भी हमारे साथ काम करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, इस चीज पर इंश्योर करते हैं। और हम बेसिकली स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक फेसबुक ग्रुप था, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज अबाउट एजुकेशन ऑन फेसबुक। तो इस सिलसिले में बिल्कुल ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब बाहर पढ़ने जाना और स्कॉलरशिप्स। तो एक्चुअली एजुकेशन के बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं, आपको पता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब दे आर फ्यू लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हैं, फिर कॉलेजेस में हैं, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की डिग्री और कुछ डिप्लोमास करते हैं, और उसके बाद हायर एजुकेशन मास्टर्स और PhD। तो बेसिकली हम जो हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को वो बैचलर्स के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम मास्टर्स और PhD के लिए हेल्प करते हैं, और इससे आगे फर्दर कोई प्रोफेशनल है वो जाना चाहता है, और इसके अलावा मतलब फर्दर रिसर्च के लिए, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हेल्प आउट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली जो लोग गेम में हैं इन स्कॉलरशिप्स पर उनको कनेक्ट कर देते हैं उनके साथ जो जाना चाहते हैं। और लोग क्यों जाना चाहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ये यूनिवर्सिटीज में जाके सवाल करता हूँ कि भाई आप लोग क्यों जाना चाहते हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आते हैं, जिसमें ज्यादातर ये होता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ कर अपने प्रोफेसर के सामने ये कहते हैं कि जी हमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन है वो ठीक नहीं है तो हम जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आंसर आता है, लेकिन ऑब्वियसली बाहर बड़ी चीजें ओपन अप करता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो आपका मुकाबला होता है अपने इलाके के बच्चों के साथ कि मैं उनमें बेहतर हूँ तो इस अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा एडमिशन टेस्ट के बाद। जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपका मुकाबला होता है आसपास के सिटीज के बच्चों के साथ, क्या आपने वो उनसे कम्पीट किया और उनके साथ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आगे आते हैं तो आपका पाकिस्तान के बच्चों के साथ मुकाबला होता है जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो क्या होता है जब आप जाते हैं यूनिवर्सिटी और आपका कंपटीशन बढ़ा होता है, आप यूनिवर्सिटी के जाते हो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपके इलाके में बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए होंगे, कोई सिंध से आया होगा, कोई बलोचिस्तान से, व्हेन यू हियर देम आपके अंदर एक विजन ओपन अप होगा। तो सेम इज द केस जब आप बाहर जाएंगे तो आपका विजन बहुत ज्यादा ओपन अप होगा कि आप बाहर गए हैं और आपके साथ मुख्तलिफ ममालिक के लोग पढ़ रहे हैं। तो बाहर जाना ना सिर्फ आपको फायदा देता है कि आप एज अ ह्यूमन बींग अपने आप को डेवलप करें, जो कि एजुकेशन का मेन मकसद भी है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अर्निंग, इट्स अबाउट कि आप अपने आप को डेवलप कैसे करें, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बाहर जाकर क्या होता है जी स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। स्कॉलरशिप्स क्या होते हैं, ये वजीफा जिसको कहते हैं, और ये बड़ा इसके अंदर एक मैंने कंफ्यूजन देखे है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि हमारी फीस में डिस्काउंट होगा या कुछ। जो स्कॉलरशिप्स होते हैं भाई फुली फंडेड होते हैं, आपकी ट्यूशन फीस भी माफ होगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ आपको दिया करेंगे पैसे वो आपको, कि आप उससे अपना खर्चा वगैरह निकालें। और कई स्कॉलरशिप, अक्सर स्कॉलरशिप्स इतने ज्यादा पैसे देते हैं कि आप उनसे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और घर वालों को भेज सकते हैं। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स बैचलर्स पाकिस्तान में करते हैं वो आगे मास्टर्स और PhD के लिए अच्छे स्कॉलरशिप्स पे चले जाते हैं, वहाँ एजुकेशन हासिल करते हैं
और इसके अलावा वो फिर घर वालों को भी अफोर्ड करते हैं। और जाना क्यों चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इसकी रीज़न बहुत बेहतरीन है कि फॉर एग्जांपल आप में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैंने पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की, अब मैं किसी अच्छी कंपनी में जो कि बाहर काम कर रही है, ज़्यादातर ऑफिस बाहर है, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ या उन ममालिक में जॉब करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली यूरोप और यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ आप अगर वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको आपको अकोमोडेट करना, क्योंकि सारी बात है उनके अपने ग्रेजुएट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो दे हैव टू हायर देम फर्स्ट, गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अगर वो आपका वीजा भी निकलवाता है तो दे हैव टू क्लेम कि भी हमारे पास ऐसा बंदा हमारे पास फॉर एग्जांपल जर्मनी में मौजूद नहीं था तो हमने इसको लेकर जाना। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप पर एजुकेशन हासिल करने बाहर जाते हैं और वो भी स्कॉलरशिप पर आपने की हासिल, तो कोई लाइबिलिटी ज्यादातर केसेस में नहीं होती कि आपने वापस आना है, जॉब आप वहाँ सर्च करेंगे और आपको फॉरन जॉब मिल जाएगी क्योंकि आपने डिग्री उन ममालिक से की है। तो ये शॉर्टेस्ट वे है कि 2 साल के अंदर आपने अपने आप को अपग्रेड किया, मास्टर्स किया और उसके बाद जॉब हासिल कर। बट यस दे आर डिफरेंट लेवल, बैचलर्स पे भी लोग जाते हैं, मास्टर्स पे भी जाते हैं और PhD पे भी जाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक बेसिक वजह यह है कि एजुकेशन इज़ फॉर योर डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन बींग। हमारा मुआशरा डेवलप हो रहा है हमारी वजह से, हम खुद डेवलप हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे ना डाइवर्सिटी आएगी, बाहर जाएंगे, लोग लोगों से मिलेंगे, बर्दाश्त पैदा होगी हमारे अंदर, और इसके अलावा एजुकेशन इसके अलावा हमें मिलेगी, तो वी कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। और इसके साथ साथ जो जॉब्स वगैरह या कोई अर्निंग करना चाहते हैं तो दे हैव द शॉर्टेस्ट पाथ कि उन ममालिक में जाएं, वहाँ मास्टर्स या PhD करें या बैचलर्स करें, उसके बाद आपको वहाँ जॉब भी मिल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपकी लर्निंग, आप एक नई जगह से लर्न करते हो, नई चीजें लर्न करते हो, तो डेफिनेटली वो अगर आप मुल्क में वापस आके काम करते हो तो आप अपनी कंट्री के लिए की बेटरमेंट का काम कर रहे हो। अगर आप वहीं पर रहते हैं तो आपकी फर्दर जो करियर के और लाइफस्टाइल के लिए जो वहाँ की एजुकेशन है वो फिर आपको हेल्प आउट करती है। अब इस पे अगर हम आगे चलते हैं तो देखें, यहाँ पर जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान से बाहर जो भी पढ़ने के लिए जाना चाहता है, डेफिनेटली उसको सबसे पहले उसके जहन में ये सवाल आएगा कि जी मैंने मुल्क से बाहर अगर अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में तो क्या रिक्वायरमेंट होगी। और ये तो खैर फैक्ट है कि अगर आप किसी भी मुल्क में जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी वाइज भी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफर करेंगी। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगी कि अगर हम जर्नल में बात करते हैं, मैं लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो जर्नल में वो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको मद्देनजर मुझे रखना पड़ेगा जब मैंने मुझसे बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। बिल्कुल जी, ये एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा वेरी करता है अगेन ऑन द एजुकेशन लेवल के स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहा है या मास्टर्स के लिए या PhD के लिए। बट यस, जनरल रिक्वायरमेंट पे मैं एक इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अप्लाई करना चाहता है, ये बिलीव मी, ये थ्रू आउट द ईयर्स ये सबसे ज़्यादा हमें पता चलता है, जो अप्लाई करना चाहता है वो सिर्फ सोचता है, इसे वाकई करना है वो कर रहा होता है। सबसे पहले मेरे नज़दीक रिक्वायरमेंट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वाकई सोचता है, ये ख्वाब देखता है, उसको अपनी ये जिंदा ताबीर करने चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई किए बगैर तो आप नहीं जा सकते पहली बार। अब इसके अंदर स्टेप्स आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स वेरी करते हैं, लेकिन मेनली रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि किसी भी लेवल पे, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास FSC या FA का रिजल्ट्स हों, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री और पीछे रिजल्ट्स हों, वेरीफाइड हों, मतलब बोर्ड से, HEC से, और कुछ केसेस के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री मांगता है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन द केस जो जो मांग रहा है उसके लिए आप करवा रहे हैं। इसके अलावा आप PhD के लिए जा रहे हैं तो सेम इज द केस कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सिंपल एज दैट, और कोई नहीं। इसके अलावा टेस्ट यूज होते हैं, कुछ जगह पे टेस्ट मांगे जाते हैं जिसके अंदर से इंग्लिश का टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, IELTS या TOEFL मांगा जाता है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। इवन आई थिंक FSC लेवल पे भी स्टूडेंट्स आजकल इसको कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, दे हैव अदर टेस्ट्स एज वेल। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप IELTS, TOEFL, मास्टर्स और PhD के लिए तो फॉर श्योर है, इनमें से कोई एक टेस्ट आप इंग्लिश का जरूर दे दें। कोई नहीं भी मांग रहा तो आपने दिया वो, क्योंकि ऑप्शन आप अपनी हर एक ओपन रखें। और कुछ ममालिक में GRE भी मांगा जाता है और SAT मांगा जाता है इनके, जिसके अगर वो बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, और अगर वो मास्टर PhD के लिए जाते हैं तो GRE मांगा है, तो GRE भी कर लें। GRE इसी तरह कि अगर आपने GRE कर ली तो इट विल ओपन ऑल द लेवल्स फॉर यू, लाइक इन द गेम यू हैव टू ओपन ऑल द लेवल्स ऑफ द गेम। तो इसी तरह ये भी है कि आपने GRE दे दिया तो आपके पास सारी ऑप्शन ओपन होगी। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स ये जी, आप फर्स्ट मेन थिंग कि आपने अप्लाई करना है, और बिल्कुल यू शुड नॉट कि भाई बस ये होगा नहीं मेरा, ये नहीं होगा, तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। आपके पास रिक्वायरमेंट्स देखें, जिस जगह भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स देखें, वो इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान सी है। तो कोई कह भी रहा है आपको कि मुश्किल है तो उसकी बात ना सुने, मैं आपको बता रहा हूँ तजर्बे के साथ। तो आपने सिंपल रिक्वायरमेंट्स देखनी है, उसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए
या रिजल्ट्स होने चाहिए और उसके बाद आपके पास इंग्लिश का स्कोर जरूर होना चाहिए, वो जरूर दे दें। और अगर आप समझते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ जीआरई या जीमैट या सेट वगैरह चलता है, तो वो भी एग्ज़ाम दे दें। ये सारे कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट एग्ज़ाम। और तो यही जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं आप। इसी को मैं फर्दर आगे करूंगी कि आपने रिक्वायरमेंट की बात की। अब जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर कोई अप्लाई करना चाह रहे हो उससे बाहर, हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग होती है। अगर मैं मुल्क से बाहर अप्लाई कर रही हूँ, कोई और स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, तो क्या उसको इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे जिनकी रैंकिंग अच्छी है, या अगर वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है जिनकी रैंकिंग नहीं अच्छी, तो क्या फ्यूचर में उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट पे या अदरवाइज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की वजह से फर्क पड़ेगा? ये जी क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका आंसर कॉम्प्लेक्स एट अ टाइम और सिंपल भी। वो इस तरह है कि अगर आजकल देखें, स्पेशली आफ्टर द कोविड, एक चीज बड़ी वाजिया होकर सामने आई है एजुकेशन में, वो है यू मस्ट हैव द स्किल्स। यू मस्ट हैव द स्किल्स, डिग्री सिर्फ नहीं होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। तो आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप किसी पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी बाहर के कंट्री में बैठे हैं, एजुकेशन हासिल करें, यू मस्ट हैव द स्किल्स। ठीक है, ये तो फॉर श्योर है कि आप जा रहे हैं, और इस जमाने में बींग इंटर कनेक्टेड, जिससे हम लाइव बैठे हैं और सारी रिसोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इस जमाने में आप कहें कि हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी नहीं है और हम इतना नहीं कर सके, स्किल आप डेवलप नहीं कर सके, ऑनलाइन आप इसी स्किल डेवलप कर सकते हैं। कई किस्म के आपने स्किल डेवलप, तो किसी भी जगह आप जा सकते हैं। आप ये ना देखें कि परेशान ना हो कि अच्छा जी उसकी रैंकिंग नहीं है यूनिवर्सिटी में, जॉब मिलना मुश्किल नहीं होगी। हाँ, ये इफेक्ट आता है, पर स्किल्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो आपके पास अगर अच्छे स्किल्स एक्वायर किए हैं उस डिग्री के अंदर, तो यू कैन इजीली यूज देम फॉर द जॉब। और इसके अलावा ये है कि रैंकिंग्स बिल्कुल जी मैटर करती हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका डिग्री की वैल्यू जो कि आपके यूनिवर्सिटी है वो, और इसके अलावा बाकी फिर आपके पर्सनल के CGPA और बाकी चीज़ें, मतलब एक्टिविटीज या और रिसर्च वगैरह के केसेस में, या फिर आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैसा है। लेकिन रैंकिंग्स बड़ी मैटर करते हैं। कई रैंकिंग की वेबसाइट्स हैं जो कि इसको रैंक करती हैं, QS रैंकिंग्स हैं, शंघाई रैंकिंग्स हैं, और इसके अलावा और भी कई आपको मिल जाएंगे, US न्यूज रैंकिंग है। तो ये रैंक करती हैं यूनिवर्सिटीज को। ऑब्वियसली ये एक आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट हो सकता है कि आपने अगर नहीं, आप कंफ्यूज हैं, तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, रैंकिंग रैंक वाइज देख लें। आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी कुछ रैंक करते हैं, आप उनमें देख लें, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। तो यू कैन सर्च आउट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस रैंकिंग एग्जाम्पल इस तरह देखता हूँ कि चिली इज अ कंट्री, चिली नॉट वो मिर्चे नहीं, चिली कंट्री, और मैंने एक दफ़ा देखा कि उसकी यूनिवर्सिटीज बड़ी अच्छी रैंकिंग में है सोशल साइंसेज में। तो अब लोग तो इसको मतलब वैसे वो रैंकिंग में नहीं आती। तो द थिंग इज दैट कि कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी कुछ यूनिवर्सिटीज बड़ी अच्छी रैंकिंग में सब्जेक्ट वाइज। तो आपने आपके लिए बड़ा एक एक पॉइंटर हो सकता है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज को कुछ भी नहीं पता, तो आप रैंकिंग वेबसाइट्स निकालें, उनके थ्रू सर्च करना शुरू करें। लेकिन स्कॉलरशिप्स के लिए मैं आपको जरूर बता दूँ कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो जरूरी नहीं है कि अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में मिल रहे हों या लो रैंक में मिल रहे हों, इट डिपेंड्स। तो मेरे नज़दीक जहाँ भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, चाहे वो हाई रैंक है, चाहे लो रैंक है, चाहे कंट्री आप समझते हैं जी मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, मैं तो जी यूरोप के अलावा कहीं जाना नहीं है, तो वो ना करें। जहाँ स्कॉलरशिप मिला है, कोई आपको पैसे देकर पढ़ा रहा है, तो उसका लेवल भी उतना ही अच्छा होगा और आपने अपने स्किल्स डेवलप करने, दे आर पेइंग यू मनी टू डेवलप योर स्किल्स। जी जी अभी आपने इसमें बात की थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके सब्जेक्ट वाइज जो है रैंकिंग अच्छी होती है, ये एक नई चीज है। एक हमारे हम जो यूजुअली देखते हैं वो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की ओवरऑल। तो लेट्स सपोज कि यूनिवर्सिटी की वैसे रैंकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी एक सब्जेक्ट को लेके रैंकिंग एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज अच्छी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, एक यूनिवर्सिटी जिसकी वैसे रैंकिंग जो है 50 पे जा रही है, लेकिन उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो रैंकिंग है वो 25 पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट को फिर कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये खैर 50 और 25 तो वैसे ही बहुत अच्छी है इनिशियली, चाहे वो 50 पे भी हो, इट गोज अप टू 500 तक। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, उसको एडमिशन सब्जेक्ट वाइज आप देख लें, हर जगह पे ये चल रहा है। HEC अभी स्कॉलरशिप पे जब आपने भेजती है तो उसके लिखा होता है सब्जेक्ट वाइज आपने, अगर ओवरऑल में इतनी हो सब्जेक्ट वाइज में इतने, या फिर पंजाब पीफ जो फंड है एजुकेशन एंडोमेंट फंड, वो भी ये देख रहा होता है सब्जेक्ट वाइज हो। और कई ममालिक में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जिस तरह
अक्सर लोग जो टेक्निकल में वो जानते हैं एमआईटी को, इट्स लाइक यू नो ये उनके लिए इट्स द ह्यूज थिंग टू यू नो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, सो पीपल बिलीव दैट इट इज द नंबर वन जो टेक्निकल है, दे बिलीव कि ये इनका ख्वाब होता है ज्यादातर लोगों का। तो अगर आप देखें तो वो एमआईटी की रैंकिंग ओवरऑल तो वो टॉप पर होता है, लेकिन एमआईटी इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में चाइना की एक दो यूनिवर्सिटीज से नीचे है, बल्कि एक से तो स्पेशली नीचे इवन इन यूएस रैंकिंग्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि आप सोचें इट्स अ बिजनेस एज वेल फॉर द होल वर्ल्ड के एजुकेशन इज सेकेंड इन द वर्ल्ड एट एजुकेशन, तो लोग मूव कर रहे होते हैं रैंकिंग के अंदर। अगर एक यूनिवर्सिटी ऊपर नीचे कोई मुल्क की आती है तो लोगों का रुख उसी तरफ होता है, ठीक है हम तो स्कॉलरशिप की बात करें लेकिन लोग पे करके भी जाते हैं कई ममालिक के प्रोग्राम अपने चलते हैं। सो इंटरेस्टिंग केस ये देखें कि एमआईटी नीचे और चाइनीज यूनिवर्सिटीज से ऊपर इन टेक्निकल रैंकिंग्स। तो ये पॉइंट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो कि इसमें इंटरेस्टेड है कि हमने रैंकिंग में जाना है, तो अगर रैंकिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरे ख्याल से उनको किस सब्जेक्ट को देखना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में उन्होंने फर्दर एडमिशन लेना है उस सब्जेक्ट को लेकर किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सबसे अच्छी। बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल, अच्छा किया है। बिल्कुल और एक एक फिर भी जो इसमें कंफ्यूज होते हैं मैं उसके लिए एक पॉइंट बता देता हूँ सिंपल कि भाई जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना चाहे वो रैंकिंग अच्छी है कि नहीं आप उसकी तरफ जरूर जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप देने हैं दे हैव मेड समथिंग, उन्होंने अपना एक्सीलेंस लेवल बनाया हुआ, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द फंडिंग टू गिव यू। तो और स्किल्स आपने डेवलप करने तो यही डेफिनेटली। अब एक साइड पे तो हमने ये क्लियर कर लिया कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, अब डेफिनेटली जिनकी रैंकिंग अच्छी है जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है तो वो तो उन्हीं को प्रेफर करेंगे जिनका पिछला जो है एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा है। अब एक स्टूडेंट है जिसका इतना अच्छा नहीं है, उसका जी पी ए इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसका दिल करता है कि वो किसी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करे, अब ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे कि वो ऐसा क्या करे कि उसके चांसेस जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में फॉरन में एडमिशन के बढ़ जाए जिसका पाकिस्तान में जी पी ए इतना अच्छा नहीं है ग्रेजुएशन में हो या मास्टर में हो। हाँ जी, ये सबसे मेन क्वेश्चन है आजकल के स्टूडेंट्स का, दिस इज द नंबर वन क्वेश्चन, नंबर वन प्रॉब्लम, नंबर वन डिस्ट्रॉयर उनके ख्वाबों का कि सर सी जी पी ए कितनी चाहिए, स्पेशली जो कि बैचलर्स कर चुके हैं मास्टर्स कर चुके हैं और आगे मास्टर्स के लिए या पी एच डी के लिए जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सी जी पी ए कितनी चाहिए। और अक्सर ये मैं इसको मजाकन कहता हूँ कि मुझसे अक्सर स्पेशली नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स अक्सर कह रही होती हैं कि सर हमारा 4 सी जी पी ए 3.98 है तो ये कम तो नहीं है आउट ऑफ 4। और कई बॉयज ऐसे होते हैं कि मुझे कह रहे होते हैं सर मेरा 2 है और बड़ा हाई सी जी पी ए हो जाएगा ना, तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग केस है। लेकिन सी जी पी ए का वाकई बड़ा परेशानी होती है लोगों को, बट आई विल से अगर आपका 2 से लेकर 4 तक सी जी पी ए तो यू आर गोइंग ऑन द स्कॉलरशिप। 2 से नीचे तो वैसे अच्छी सी डिग्री भी नहीं देती आपको, तो अगर आपका 2 से लेकर 4 तक चाहे आप बैचलर्स कर चुके हैं चाहे मास्टर कर चुके हैं इसमें कहीं भी है 2 से लेकर 4 तक तो आप इजिली जा सकते हो। 2 बड़ा लोग परेशान हो जाते हैं 2 पे कैसे जाएंगे, बिल्कुल जी कई ममालिक आपके लिए कम हो जाएंगे लेकिन चले जाएंगे। और मैं इसके लिए हर दफा एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ जो मेरी अपनी स्टडी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, वो ये है कि मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे जो जाते हुए देखा है वो ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.8 तक लोग और फिर इसके अलावा 3.6 से लेकर 4 तक लोगों को। क्यों अब ये लोग कहते हैं इतनी लो वाले कैसे जा रहे हैं और दरमियान वाले कैसे आपने देखे, जो लो वाले हैं ना वो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं सी जी पी नहीं, तो जो चीज दे कैन डू दे कैन वर्क ऑन देयर रिसर्च, दे कैन वर्क ऑन यू नो ऑनलाइन कोर्सेज, दे कैन वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स कि कैसे कॉन्टेक्ट करना है ढूंढना कैसे, दे वर्क ऑन एवरीथिंग, कश्तियां जला कर उतरते हैं वो और दे आर गेटिंग द स्कॉलरशिप। और वो 3.6 से ऊपर वाले पहले यू नो दे आर ऑलरेडी इन द जेट प्लेन और उनको पता होता है कि हम अप्लाई करेंगे, तो दरमियान वाले जो होते हैं ना वो बेचारे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हाँ जॉब पे अप्लाई करें कि हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें यू नो। बट मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि आप लोग जो दरमियान मैंने सोचा हमारा तो होगा नहीं, बट यस यू मस्ट आजकल के जमाने में यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स बट विद फुल फोकस। ये आपके अंदर इतनी साहित्य मौजूद हैं, ये आपको शायद अंदाजा नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं है तो आई अश्योर यू आपके अंदर साहित्य मौजूद है कि आप ना सिर्फ जॉब की तरफ फुली फोकस होकर अप्लाई करें और एट द सेम टाइम आप फुली फोकस होकर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। तो जी सी जी पी ए मेरे नज़दीक इज नॉट द बैरियर। और ये हमें अक्सर क्वेश्चन आता है तो मैं सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक देर आर 4 क्वालिटीज़, अगर ये 4 क्वालिटीज़ हैं मैंने लोगों को देखा है
कि लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या चाहिए भाई, सीजीपीए के अलावा क्या चीज़ चाहिए कि लोगों का हो जाए। कुछ कहते हैं कि सर रिसर्च पेपर चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ मुझे कहते हैं कि सर हम अम्मी की दुआएं चाहिए कि अब्बू की दुआएं ले लें, किससे किससे होगा। तो ये जी दुआएं कभी काम करती हैं कभी नहीं करती हैं, किस्मत आपकी। लेकिन ये अगर चार क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आई अश्योर यू चाहे आप 100 दफा फेल हुए हैं, 101 टाइम आप कामयाब हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। इस वजह से मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि यू मस्ट ट्रस्ट दीज फोर क्वालिटीज के। अगर ये चार मौजूद हैं, सीजीपीए भी नहीं है आपके पास, कुछ और भी चीज़ नहीं है, तो यू कैन डू। वो है जी एक अपडेटेड और इन्फॉर्म, पहली क्वालिटी के इस जमाने में आपको हमेशा अपडेट और इन्फॉर्म रहना चाहिए अपॉर्चुनिटीज से। इसके आगे फर्दर भी आपको क्वेश्चन तो अपडेट पूछ सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइज, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, जब आप इन्फॉर्मेशन सारी आ गए तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। सेकेंड क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता हो किस टाइम पे किस जगह अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है, टेस्ट वगैरह सारे दिए हुए। द थर्ड थिंग जो कि स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक है, वो है कॉन्फिडेंट। बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते, दे वांट टू आस्क, दे वांट टू, वो किसी फरिश्ते से सुनना चाहते हैं कि वो फरिश्ता उनके कान में आगे कहे हाँ भी हो जाएगा अप्लाई कर दो, कोई आसमान से कोई उनको एक इशारा मिलेगा कि भाई ये करोगे तो। ये सबसे बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का हमारे, वो सोचते हैं कि चीजें इकट्ठी पड़ी हैं लेकिन कॉन्फिडेंट। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे होगा नहीं। हुई जो पहले और लास्ट प्रेजिस्टेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। फेलियर से ना घबराए, रास्ता ढूंढने, जैसा पानी अपना रास्ता बनाता है ना, स्टॉप नहीं होता, इट मूव्स अराउंड सम वे किसी ना किसी तरह, तो डू दैट, अपना रास्ता बनाए। वहां बाहर अभी एडमिशन नहीं मेरा, पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करें, एजुकेशन उससे आगे मिल जाएगा। सो ये अगर चार क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद है तो मैं आपको बताता हूँ, अम्मी की दुआएं भी काम नहीं कर रही या अब्बू की दुआएं भी नहीं काम कर रही, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा, यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप इंशाल्लाह। अब जब हम यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उनकी एक फीस होती है $100 से लेकर $180 तक होती है। अब डेफिनेटली अगर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं होती, तो उसमें उनको फिर ये भी होता है कि मैं जरा बहुत सोच समझ के अप्लाई करूँ। लेट्स सपोज अगर किसी के पास चॉइस है 3 यूनिवर्सिटीज की, तो उसको 3 अच्छी लग रही है, लेकिन वो उसके रिसोर्सेज इतने हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके 2 के जो है वो पैसे जाया चले जाए, तो कैसे डिसाइड करे कि उसने एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करे और पूरी तरह उसको कॉन्फिडेंट हो गए जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ मुझे एडमिशन मिल जाएगा। देखिए ये आंसर तो बड़ा उस वक्त दिया जा सकता है जब स्टूडेंट का प्रोफाइल पता हो। ये उसी तरह का केस है जिसमें डॉक्टर पूरी बात सुनता है, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम, फिर वो डायग्नोज करता है, तो ये तो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। मे बी उसकी सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है तो ही शुड गो फॉर लो रैंक यूनिवर्सिटीज जो हायर रैंकिंग है, क्योंकि जाहिर बात है हायर रैंकिंग में कंपटीशन वाले लोग आएंगे ताकि आपका हो जाए। अगर आपका सीजीपीए हाई है तो यस यू हैव द ऑप्शन कि आप किसी में भी कर सकते हैं आप उनमें से। फिर ये भी लोग इसके अलावा भी फैक्टर उनको इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे वो कहते हैं यार इसमें तो पैसे ज्यादा मेरे, मैं इसमें करूँ तो जारी बात है लोग ज्यादातर वहीं अप्लाई करेंगे, किसी में थोड़े कम मेरे हैं तो वो। ये ज्यादातर केस में स्कॉलरशिप्स की जितनी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है वो ऑलमोस्ट 90% फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो स्कॉलरशिप्स पे करेंगे। हाँ अगर आप अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं यू आर सेल्फ फाइनेंसिंग योर सेल्फ, फिर बाकी एप्लीकेशन फीस आपको देनी पड़ती है, लेकिन स्कॉलरशिप्स के केस में ज्यादातर केसेस में यही होता है, या अगर आप जमा भी करवा दे तो कई केसेस में रिफंड भी हो जाती है आपको व्हेन यू आर गेटिंग द एडमिशन, ये बाकी होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा, मशवरा यही दूंगा कि अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आस्क द पीपल अराउंड यू, आस्क योर सीनियर्स, उनसे पूछें कि अच्छा जी हम कैसे दें। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बेसिक सी चीज़ बताऊँ कि डिपेंड करता है कि आपके प्रोफाइल किस हद तक है। हो सकता है आपका फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर या पीएचडी का अप्लाई कर रहे हैं, आपका रिसर्च प्रोफाइल किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बड़ा अच्छा मैच कर रहा है, तो इवन इट्स अ हाई रैंकिंग और आप लो रैंकिंग के आपका सीजीपीए काम है या आपकी रिसर्च इतनी नहीं है, तो व्हेन यू अप्लाई तो वो देख के अच्छा यार इसने मेरे से रेलिवेंट की, तो वहाँ आपकी क्या मैटर कर रही है आपके जो काम किया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एसोसिएशन कितनी अच्छी है उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जिधर आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा आपके अपने पर्सनल प्रोफाइल पे, तो इस वजह से डिस्कस करने लोगों से यार पीपल अराउंड यू ग्रुप पे हैं और भी आपको मिल जाएंगे इसके अलावा जो कि पाकिस्तान में या सीनियर या किसी से आप वैसे भी रब्ता करेंगे ना, अगर आप यूनिवर्सिटी में लिंक्डइन पे ढूंढ लें उसके स्टूडेंट्स को, उनसे किसी से रब्ता करें, एवरीवन विल हेल्प यू। आजकल के ज़माने में मैंने देखा है लाइक 99% ऑफ द पीपल आर वेरी हेल्पिंग, आप उनसे बात अगर अच्छी तरह करते हैं, उनको अप्रोच बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो दे ट्राई टू हेल्प यू।
तो आप अपना केस डिस्कस करें, दे विल टेल यू। तो मैंने होता है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट कि किस पे अप्लाई किया जाए। हाँ, लेकिन वो इस पे ना रख लीजिएगा, वो कुरानदाजी करके ना निकालिएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। के रिसर्च करें, मतलब बात भी आगे कि इन्फॉर्म हो, रिसर्च करें, बात करें, जी इंफॉर्मेशन गैदर करें और फिर डिसाइड करें। बिल्कुल हमारे इस वक्त कमेंट्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन सबको ये कहूंगी कि जरा वेट करें, जब हमारे सेशन के एंड पे इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने अब आपसे एक क्वेश्चन करना था कि हम सोशल मीडिया पे अक्सर एड्स देखते हैं जिसमें मेंशन किया होता है कि इस कंट्री से स्कॉलरशिप आया हुआ है और आप उसके लिए आईएलटीएस की जरूरत नहीं है। पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं यूनिवर्सिटी से जिन्होंने रिक्वायर नहीं किया होता कि आपने आईएलटीएस क्लियर किया हो या आपने आईएलटीएस किया हो। सेकंड ये कि क्या ऐसे स्कॉलरशिप जो विदाउट वो आईएलटीएस आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या उन स्कॉलरशिप पे फिर जाना चाहिए, लाइक किस तरह उसका फिर आप डिसाइड करेंगे ये सही है कि गलत है। मैं आपको आज बड़ी एक अहम बात बताता हूँ इस बारे में, या आपने ना मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। एक्चुअली ये जो आपको बताते हैं ना आइल्स नॉट, इनको ज्यादातर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये आई नो मोस्ट ऑफ देम, जो कि इस वक्त है, जो इनके पीछे हैं लोग, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। दे आर ट्राइंग टू यू नो, ये अपने सिर्फ रैंकिंग बढ़ाने के लिए ब्लॉग्स की, अपने वेबसाइट्स की रैंकिंग बढ़ाने। मैं अक्सर दफ़ा कह चुका हूँ, हमें कई दफ़ा नुकसान भी होता है, पाकिस्तानियों एज अ नेशन बदनाम हो चुके हैं ड्यू टू दिस इशूज़ कि वो फेक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मेरे नज़दीक अगर आप काम कर रहे हैं, पैसे लेके भी कह रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड बी यू नो, आपको बड़े ही ऑथेंटिक होना चाहिए, अदरवाइज किस लिए कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो ये जो आप कह रहे हैं आइडल्स, वो सारे के सारे बिलीव में सारे के सारे फेक हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के अंदर आप आइडल्स के बगैर अप्लाई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे भी दे, एम्बेसी रोक दे। लाइक 99% एम्बेसीज आपसे कहती हैं कि आप आइडल्स के दे। ठीक है, कुछ प्लेसेस हैं, मैं मानता हूँ कुछ प्लेसेस हैं जो आपको आइडल्स के बगैर एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर होता क्या है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी को क्रॉस भी कर ली, यूनिवर्सिटी मांग रही होती है ठीक है इसके बगैर दे, लेकिन आगे जाके आप एम्बेसी का कैसे करेंगे, आपको देना तो पड़ेगा एट अ टाइम। फिर सबसे बड़ी बात, स्कॉलरशिप्स के केस में आइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एडमिशन के सिलसिले में बार बार कह रहा हूँ, जो आप सेल्फ फाइनेंस का उसमें कह रहा है, स्कॉलरशिप के सिलसिले आप एक अप्लाई करें या खुद एक आपके मुकाबले पर स्टूडेंट आ गया जिसने आइट्स भी दिया, आप मुझे बताएं किसे प्रेफर करेंगे। यू आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, सीजीपीए वगैरह चले ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही है, एंड दे हैव टू डिसाइड अमंग द वन पर्सन। आप कहते हैं मैं आइट्स के बगैर हूं और दूसरा आइट्स के साथ, किसको करेंगे आप मुझे बोलते, दे विल प्रेफर विद आइट्स, वो वाजह फर्क डाल रहा होगा। तो आप अपने आप को कंपटीशन में स्पेसिफिकली फॉर द स्कॉलरशिप ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप में उनकी बात नहीं कर रहा, वो जो आपको नजर आते हैं यूके के जी 25% डिस्काउंट, स्टिल यू आर पेइंग लाइक 40 लैक्स, 25% डिस्काउंट, दीज आर द स्कॉलरशिप जो कि ना सिर्फ आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं जो आप अपने आप को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ट्यूशन फीस फ्री। तो मैं हम उन्हीं की बात करूँ तो दीज आर कॉम्पिटिटिव सारे के। और मैंने आपको कहा ये इतने ज्यादा हैं कि मैं अगर आपको लिस्ट बताना शुरू करूँ ना, तो मैं ये झूठ नहीं कह रहा, बिलीव ये एक दिन से ज्यादा लग गया, ये झूठ नहीं, वो लेकिन झूठ है जो कि कह रहे हैं कि आइट्स के बगैर चले जाएं क्योंकि उनको अपनी रेटिंग चाहिए होती है। आई नो मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम जो कि आजकल बड़े फेमस हैं, और दे मोस्ट ऑफ देम कॉपी फ्रॉम अस, आप देखेंगे कॉपी हमारे से क्या, तो मेरी स्पेसिफिकली पोस्ट हमने कई दफा कोशिश करके उनको ब्लॉक वगैरह भी करवाया, बट यस इज द वर्ल्ड। लेकिन ज्यादातर जो कह रहे हैं आइट्स के बगैर वो झूठ है, आप इस पर यकीन ना करें। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएं, वहां से देखें, ब्लॉग आपको कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, या आप ये भी कहें कि ग्रुप दे रहा है इंफॉर्मेशन, नहीं, हमेशा खुद पर यकीन रखें। वर्ल्ड ओपन है, आपने वेबसाइट को क्लिक करना है, ओपन हो जाएगी, आपने वहां पढ़ना है, हर कोई पढ़ सकता है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आइट से। और अगर कोई दे भी रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन में आप अपने आप को लो करें, और अगर हो भी जाता है तो एम्बेसी ज्यादातर आपको फिर पूछेंगे कि भी क्या करें। लेकिन कई ममालिक में हो भी जाता है जैसे चाइना हमें दे रहा है आजकल विदाउट आइट्स, काफी स्टूडेंट जाते हैं, और भी कुछ प्लेसेस हैं बट दे आर स्पेसिफिक। लेकिन उसमें वो यही आ जाता है ना कि देखिए अगर किसी आपने किसी पोस्ट में या कहीं पे पढ़ा है कि जी दिस यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप विदाउट आइट्स, तो उसका सही तरीका यही है कि आप यूनिवर्सिटी की एक्चुअल ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके चेक करें और वहां से मिल जाएगी ये इंफॉर्मेशन। मैंने इसलिए आपसे इसलिए सवाल किया था क्योंकि मसला यहाँ पर ये है कि हम लोगों के साथ मसला ये है कि जब हम इस तरह की एड देखते हैं तो हम
इस पे हमारा जहन नहीं जाता कि हम रिसर्च कर लें, हमें लगता है कि ये तो बड़ा आसान रास्ता है, मुझे आइट्स भी नहीं करना पड़ेगा, इस पे तो देखिए लिखा हुआ है। आई पर्सनली सॉ कि HEC के नाम के साथ उन्होंने फेसबुक पे एक ग्रुप है, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो HEC का अगर नहीं खुलेगा तो वो ग्रुप ओपन हो जाएगा। जी आई नो देम, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें मोस्टली जो उन्होंने पोस्ट की होती है वो इसी तरह की होती है, डेफिनेटली दे आर फेक, लेकिन वो जो स्टूडेंट बेचारा खुद से ट्राई कर रहा है उसको नहीं पता कि सही लोगों से बिल्कुल। और ये इसी वजह से HEC को ये करना पड़ा कि उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ओपन करके बताना पड़ा, बड़े फोकस करके कि ये हमारे हैंडल्स हैं। मुझे तो अभी जबान ही आ रहा है, HEC 2002 उनका ऑफिशियल हैंडल है जिससे वो डील करते हैं, तो दे हैव ओपन, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दिया है कि भाई इन्हीं से आप आए, हम ऑफिशियली इन जगह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी ही फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है, आई नो देम वेरी वेल जिनका आपने किया, और इसके अलावा भी एक दो बड़े फेमस, बट आई अगेन से कि ये आप, मैं आपको इसी बात बताता हूँ स्टूडेंट्स क्यों करते हैं। मैं एक और भी इसके बारे में स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट्स का सोच ये होती है, ये बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, कि लोग ये समझते हैं कि अभी उन्होंने एड देखी आइडल्स, उन्होंने फौरन खोला सोशल मीडिया का पैकेज, फौरन तेजी से अप्लाई किया, 5 मिनट लगे, CV भेज दी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा, घंटी बाहर की बजेगी 5-10 मिनट बाद, ये कौन आ गया, दरवाजे पे गए आगे देखेंगे एक बंदा आया हुआ है, भारी सा बैग उठाया हुआ खड़ा, कहते जी आप कौन, जी ये 50 लाख रुपए है, ये आपने अभी अप्लाई किया था स्कॉलरशिप, ये आपका है। यार अभी तो 5-10 मिनट हो, ये मुझे कैसे, जी आपने वो भेजी थी ना अपने डॉक्यूमेंट्स, आपने बैठे बैठे सोशल मीडिया पैकेज लगाया हुआ था, आपने वेबसाइट भी ओपन करने की जहमत नहीं की आपने उसके अंदर किया, तो वो आपका जी नाम यूनिक, लेकिन खैर लोगों का और भी था, लेकिन हमने आगे देखा डिग्री, आप मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स की डिग्री तो कोई करता ही नहीं है दुनिया में, तो आपने की हुई थी, फिर आपने जो CNIC नंबर भेजा वो तो हमारे पास था ही नहीं, इतना यूनिक। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि ये जैसे उनको लोग इंतजार में बैठे हैं, जैसे ही वो करेंगे अप्लाई तो वो घंटी बजेगी और लोग आकर उनको कहेंगे ये भी 50। ऑब्वियसली जो आपको स्कॉलरशिप दे, दे आर स्पेंडिंग लाइक यू नो दे आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑन यू, लेकिन मुकाबला सख्त, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कश्तियां जलानी पड़ेंगी स्कॉलरशिप्स के लिए। और उसके लिए क्या है, मैंने अगेन वही जो पहले बात कहता उसको कंप्लीट करते कहूंगा कि मुकाबला आपका स्कूल लेवल से ऊपर, इलाके से ऊपर, कॉलेज के अंदर जब आप जाते हैं, अपने आसपास के शहरों के साथ, जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको पाकिस्तान भर के इलाके के लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ता है, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दुनिया के लोगों के साथ मुकाबला करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। और इसी के लिए हमने ग्रुप बनाया कि हम इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तानी सिर्फ हों और उनको जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं उनको दें और वो दे दे अडॉप्ट देम और गो अब्रॉड। मैंने आपसे एक चीज के बारे में पूछना था कि हम एक टर्म सुनते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है? जी एक्सचेंज प्रोग्राम बिल्कुल जैसा नाम से वाजे है, ये आप जाएंगे जी जी बिल्कुल जी जैसा नाम से वाजे है एक्सचेंज होती है ये। आई थिंक वी हैव सम डिले इन द वॉइस ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन। तो जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके अंदर होता है ये कि आप माय ब्रॉडकास्ट में आप एक्सचेंज प्रोग्राम इस तरह होता है कि आपने पढ़े हैं पाकिस्तान में बैचलर्स में, मास्टर्स में या PhD में, तो आप बाहर चले जाते हैं, फंड आपको करते हैं एक्सचेंज के लिए फॉर अ सेमेस्टर फॉर सम पार्ट ऑफ द रिसर्च, या इसके अलावा आपको एक्सचेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट जो कि 9th-10th के अंदर हैं या FAFSC के अंदर हैं उनके लिए भी आ रहे हैं। जैपनीज गवर्नमेंट का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है जो कि FAFSC पे देता है, गवर्नमेंट का है, फ्रॉम एम्बेसी ये होता है सिलेक्शन होती है। और इस तरह US का कई प्रोग्राम है, समर सिस्टर एक्सचेंज है, और इस तरह करके कुछ प्रोग्राम है जो कि ऑफिशियल है US गवर्नमेंट के, जो कि एक्सचेंज पे बुलाते हैं आपको 9th-10th के स्टूडेंट्स को, FAFSC के स्टूडेंट्स को, कि वो वहाँ कुछ अरसा रहें, उनको सीखें, उनका कल्चर सीखें। और इसी तरह बैचलर्स के अंदर आप जब हैं तो आप फंडेड प्रोग्राम होते हैं, टोटली आपको फंड करते हैं टिकट से लेकर आपकी रिहाइश, आपका रहना। तो इनका फायदा क्या होता है, मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाने का सबसे बड़ा फायदा है कि वही आपको एक्सपोजर हो जाता है आपको उन स्टूडेंट्स के निस्बत जो नहीं गए, ये पता होता है कि आसमान कितना वाइड है, यू हैव सीन रेडी द होल व्यू। तो मेरे नज़दीक एक्सचेंज प्रोग्राम तो वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा एक जरिया है कि आप कुछ अरसे के लिए वहाँ जाएं, वहाँ जाके अपने लिए नया रास्ता ढूंढने के, आपने जब डिग्री कर ली एक्सचेंज से वापस आएंगे और डिग्री
जब नेक्स्ट करनी है, चाहे आप बैचलर्स में करना चाहते हैं, चाहे मास्टर चाहे पीएचडी, तो आपने एक्सचेंज पे गए हुए तो आपको मुल्कों का पता होगा और वहाँ ईजिली अपना प्लेस बना सकेंगे स्कॉलरशिप में. तो देयर आर सो मेनी एक्सचेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स नाउअडेज़ कमिंग जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं. यूरोप देता है एरास्मस के अंडर अंडरग्रेड पे और मास्टर पे, पीएचडी पे, और इसी तरह यूग्रेड है, बड़ा फेमस प्रोग्राम है यूएस का जो कि बैचलर्स के लिए देता है स्पेसिफिकली. तो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम जिन पे आप एक्सचेंज पर जा सकते हैं. जी और अभी हमने स्टेज प्रोग्राम्स की बात की, आपने एक्सप्लेन किया है कि ना सिर्फ ये कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, बल्कि पाकिस्तान से 9th-10th क्लास के बच्चे भी जा सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी जा सकते हैं. अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं. मैं चाहूंगी कि डेफिनेटली अब ये इस टॉपिक पे अगर बात करते जाए तो क्वेश्चन तो बहुत सारे आ जाते हैं. उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी पीएचडी के बारे में. जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो अगर हम इसमें भी जनरलाइज करें तो वो क्या क्राइटेरिया है जिसको मद्देनजर रखते हुए एक पीएचडी के स्टूडेंट को मुल्क से बाहर कहीं अप्लाई करना है, उसको किन किन चीजों की जरूरत होगी, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और वो कैसे अब इस चीज को कर सकता है कि उसको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के किसी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाए. जी बिल्कुल, पीएचडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दैट वन कैन अचीव. डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मतलब वो फिरा हुआ दिमाग नहीं है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है और इसके अंदर ये है कि आप आजकल के ज़माने में बैचलर्स के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड मास्टर लीडिंग टू पीएचडी या डायरेक्ट पीएचडी के ही ममालिक करवा. क्यों भला उनको फायदा क्या होता है? वो कहते हैं यार एक स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप देकर लाएं, मास्टर्स में 2 साल का करे और चला जाए, हमें क्या फायदा? व्हाई नॉट हम उसको रखें यहाँ 5 साल के लिए, वो काम करेगा, कोई इनोवेटिव चीज ईजाद करेगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करेगा, बड़ी बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट वगैरह बनाएगा और ही विल फिनिश हिज पीएचडी एक बेहतरीन किस्म की. तो ज्यादातर मुल्क अब प्रेफर करते हैं कि आप मास्टर लीडिंग टू पीएचडी में. इसके अलावा जो डायरेक्टली पीएचडी के लिए होते हैं जी, इसकी रिक्वायरमेंट्स या मास्टर एंड पीएचडी के लिए बड़ी सिंपल सी हैं कि यू मस्ट बी गुड इन यू नो इन आइडियाज. जो आपने एजुकेशन हासिल किया, आपने एंड पर प्रोजेक्ट किया होगा किसी किस्म का, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कई केसेस में उसको कहते हैं, या रिपोर्ट्स वगैरह की होंगी, वो आपके बड़े स्ट्रांग हों कि आपने आगे क्या करना है, आपको पता हो, स्किल्स बड़े अच्छे मौजूद हों, मतलब जो आपकी डिग्री के अंदर यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्निकल राइटिंग वगैरह या टेक्निकल टूल्स आपको बड़े अच्छी तरह आते हैं, वो आपके बड़े स्ट्रांग हों. और फिर आपने क्या करना है, उनको रिक्वायरमेंट्स देखनी है पीएचडी प्रोग्राम्स की, क्या है. ज्यादातर केसेस में आपको अपना मेंटर या प्रोफेसर ढूंढना पड़ता है, वहाँ आपने उससे कांटेक्ट करना है, उसको अपने बारे में बताना है, उसके साथ लिंक अप करना है अपना रिलेशनशिप के कैसे आप उससे कनेक्ट होते हैं. मतलब ये तो नहीं है ना कि आप एक फील्ड है, आप ताल्लुक रखते हैं मास कम्युनिकेशन से और आप प्रोफेसर से रब्ता करें केमिस्ट्री के, सो यू हैव टू फाइंड द प्रोफेसर रेलेवेंट टू यू और उससे आपने यू नो ईमेल वगैरह करनी है और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई होता है. और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बैचलर्स के स्कॉलरशिप कम है, उससे ज़्यादा मास्टर्स के आते हैं, और मास्टर्स से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पीएचडी के आते हैं. और तो ये इस तरह है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, सो मैनी स्कॉलरशिप, उसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मतलब कुछ ओपन पोजिशन होती हैं, कुछ डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स की होती हैं जिसके अंदर आपको फिट इन होना पड़ता है, और रिक्वायरमेंट्स अगेन वही हैं कि आपकी मास्टर्स की डिग्री हो, बेसिक्स टॉफर आइट्स में से कोई स्कोर दिया हो, अगर जी आर ई दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, वो कई ममालिक में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी ओपन कर देता है. और आपका इसके अलावा जो रिसर्च प्रोफाइल है थोड़ा सा वो बना होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा पेपर पब्लिश होना, लेकिन रिसर्च आपकी थोड़ी बहुत बेहतर हो. रिसर्च का मतलब ये है कि आपने जिस क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल आइडियाज आपके डिवेलप अच्छी तरह हुए हुए हों, क्या जिस भी फील्ड में काम करना वो मौजूद हो. और ये बड़े अच्छे हमारे प्रोग्राम चलते हैं, इस तरह इस साल बड़ी हमें कामयाबी हासिल हुई है इटली में, एंड वी आर ऑलमोस्ट सेंडिंग 230 स्टूडेंट्स हमने अभी तक अनऑफिशियल काउंट किए, दे आर मोर देन दैट, एक साल में जा रहे हैं टू इटली ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाय द इटालियन गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप पे, नो ट्यूशन फीस, स्टाइपेंड भी देंगे. इट्स वन ऑफ द ह्यूज थिंग्स के जो आज तक आपको रेयर है कि कहीं भी नजर आए इस तरह की. तो दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इसी वजह से ओपन हुए हैं कि आप लोग इस बारे में अगर अवेयर होते हैं बड़ी अच्छी तरह, अपने आप को प्रिपेयर बड़ी अच्छी तरह करते हैं इसके लिए, तो आप अप्लाई करते हैं. तो सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए, वो हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू, एक महीने के अंदर अंदर बड़ी आसानी से हो जाते हैं अगर आप इस पर मेहनत करें.
आइडल्स या टॉफल दिया हुआ हो और आपके पास डिग्री मौजूद हो या होने वाली। जी मैं अब चाहूंगी कि अब हम जो हम और के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स शेयर किए हुए हैं वो कर लें, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम खत्म होने वाला है। लिस्ट के मुताबिक जाने से पहले मैं चाहूंगी कि चूंकि अभी हमने पीएचडी के बारे में बात की है, तो सबसे पहले मैं राबिया का क्वेश्चन लूंगी। राबिया हैज आस्क्ड कि प्लीज एक्सप्लेन दैट हाउ टू फाइंड द प्रोफेसर। डेफिनेटली शी इज अच्छा रेफरिंग टू पीएचडी, बिकॉज प्रोफेसर का कुछ नहीं जी आता है कि आपने बिल्कुल अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट से जो है जहाँ अप्लाई करना है, तो वो प्रोफेसर कैसे आप ढूंढेंगे? बिल्कुल जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेसर ढूंढना बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये तो आपको आना चाहिए ना, किसी से काम निकलवाना हो तो आप तो ढूंढ लेते हैं। तो आपको सिंपल आंसर कि आपको कोई चीज चाहिए बाजार से, तो यू ऑलरेडी नो या आई नो, मैं ज्यादातर लोगों को पता होता है कि किधर से मिलेगी। सेम इज द केस विद द प्रोफेसर। सिंपल जो मैंने पहला आपको पॉइंट बताया, अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसके मुताबिक ये है। और ये मैं इस वजह से प्रोफेसर को ढूंढना पड़ता है मास्टर लीडिंग टू पीएचडी के लिए या पीएचडी के लिए, या फिर आप रिसर्च मास्टर्स जो होता है उसके लिए भी कर सकते। तो क्या करना है जी, आपने अपनी ढूंढने के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं, सर्च करें गूगल पे। पहला पॉइंट जो मैंने बताया अपडेटेड और इन्फॉर्म कि मे बी इट्स अबाउट, आप यूनिवर्सिटीज सर्च आउट कर लें। कई वेज होते हैं, मतलब आप विकीपीडिया पे लिखा यूनिवर्सिटीज इन चाइना, आपको विकीपीडिया की लिस्ट दे देंगे। यूनिवर्सिटीज को ओपन करें, गूगल ट्रांसलेटर लगा लें सारा, और अपना डिपार्टमेंट वहाँ सर्च आउट करें और ढूंढते रहें प्रोफेसर जो आप उसकी रिसर्च वगैरह देखें, कुछ ना कुछ कीवर्ड जो आपने पढ़े हैं एजुकेशन के अंदर या आपने हो सकता है उन टूल्स पे काम किया वो यूज़ करें होंगे, तो आप इस समय प्रोफेसर ढूंढ लेंगे। या फिर आपने जो अगर FIP किया है या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर, डेवलप किया कोई चीज़ या कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, तो आपने उनके कीवर्ड्स निकालने हैं, वो सर्च करने हैं, मुल्क का नाम साथ लिखे हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, यू यू विल बी गेटिंग सम यू नो रिसर्च पेपर, सम जंक लिंक्स, उनके अंदर से सर्च आउट करें कि कौन सा प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी तक लिंक जा रहा है, तो आपको वो अपने से रेलिवेंट मिल जाए। सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि इन विच एरियाज यू वांट टू वर्क, आपका इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट बेसिकली होता है ये कि जो सब्जेक्ट आपको बड़ा अच्छा लगा है, जो प्रोजेक्ट्स आपने बड़े अच्छी तरह किए हैं, और ज्यादातर केस में फाइनल प्रोजेक्ट भी लोग अपने शौक से ही रखते हैं, तो उनके कीवर्ड्स निकालें और उसको एसोसिएट करना शुरू कर दें विद योर यू नो यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ। लेकिन अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे ना कि प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स। सो यूज योर सिंपल कीवर्ड्स, स्पेसिफिक हों, उनके साथ साथ स्टार्ट करें। और या और भी मैंने आपसे कहा था, विकीपीडिया से लिस्ट ले लें और आराम आराम से डिपार्टमेंट ढूंढते रहें। इतना मतलब आप शुरू में करेंगे तो टाइम शुरू में ज्यादा लगेगा, फिर ऐसा ऐसा आपको खुद भी मजा आना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी फाइंडिंग यू नो योर थिंग्स इन द इंटरनेट। जी सेकेंड क्वेश्चन मैं लूंगी जिशान का। फर्स्ट ऑफ ऑल जिशान, थैंक यू कि आपको MRC के बारे में यू हैव सेड वेरी नाइस थिंग्स। जिशान का क्वेश्चन सिंपल है कि हाउ वी कैन अप्लाई विदाउट कंसल्टेंट। तो जिशान देखें, जिस तरह आज हम ये लाइव शो लेके आए हैं, इसका मकसद ही यही है कि जो कंसल्टेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप हमसे ले सकते हैं। आप ऐसे लोग जिस तरह आज हमें वकार साहब ने ज्वाइन किया है, आप इनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात बताती चलूँ कि आपको अपने एंड से भी तगोदो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते, तो आपको रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी, आपको ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प आउट कर सकती है, वकार साहब आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी इस सवाल का आपको जवाब दें। जी बिल्कुल, देखें कंसल्टेंट बेसिकली, अगर इसका आइडिया देखें, आई एम नॉट अगेंस्ट द कंसल्टेंट्स, आप इसका आइडिया देखें कि बेसिकली पहली बार शायद ही कोई कंसल्टेंट हो जो स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करता हो। दे कैन ओनली हेल्प यू फॉर द एडमिशन, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कम्पिटेटिव है और वो बड़ी इंडिविजुअलिटी मांगती है कि आप अपने पर्सनली तौर पर डेवलप हों। कुछ हैं बड़े रेयर हैं, पर मोस्ट ऑफ देम वो जो स्कॉलरशिप की बात है वो 25 और 40% ही देते हैं कि अच्छा इसमें रिडक्शन करवा दी फीस। मैं जो आपको बताऊँ स्कॉलरशिप विच आर पेइंग यू फुल ट्यूशन फीस, फुल आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आपको ही पता है कि आप कितने बेहतरीन हैं। और आई नो कि एवरी वन हैज सम यूनिक यू नो क्वालिटीज, तो आपने वो देखनी है अपने अंदर और फिर एप्लीकेशन को आपने फिल आउट करना, और कंसल्टेंट कोई नहीं फिल कर सकता।
इसके अलावा फ्री आपने जब एप्लीकेशन फिल करनी है, डॉक्यूमेंटेशन पे लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो क्वालिटी वाइज हमारी थोड़ी इतनी नहीं बन पा रही, तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स को ढूंढ के उनसे रिव्यू करवा सकते हैं। सो मेनी पीपल, मैंने आपको बताया कि ग्रुप की बात नहीं, आप लिंक्डइन पे जाएं, आप यू कैन फाइंड पीपल इन दोज प्रोग्राम, आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। अगर आप उनसे बात करें तो अपने आप को आप विदाउट कंसल्टेंट करने की तैयारी करें, क्योंकि कंसल्टेंट विल नॉट यू नो It's very difficult for the consultant to give to get you a scholarship. Scholarship के लिए आपको खुद ही apply करना चाहिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से apply करें और आपका हो भी जाए, और करना भी खुद चाहिए, क्योंकि अगर consultant आज apply करे तो आप आगे जाके कैसे पढ़ाई करें, you know, you have to compete. तो आपने आगे जाके तो उन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई करनी है जो कि बाहर कंपटीशन के साथ आए हैं। अगर आज आप किसी से काम कराए तो कल किससे काम करवाएंगे जब आपने वहाँ जाके स्टडी करना है, चाहे मास्टर चाहे PhD के लिए। तो ऑलवेज अपने आप पर ट्रस्ट रखें और हमेशा यू नो ट्राई करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जरूर हो जाए। एग्जैक्टली एक्चुअली हमारे पास अब टाइम कम है, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी, बाकी जो लोग जिन्होंने कमेंट किया है उनको हम आप इंशाल्लाह ताला आपको बाद में रिप्लाई कर देंगे। आनिया का क्वेश्चन है कि मैंने आनिया का इसलिए पिक किया है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत लाइक वो डर जाते हैं जब मोटिवेशनल लेटर की बात आती है, आपने अपना लेटर सेंड करना होता है यूनिवर्सिटी में अपने प्रपोजल के साथ या एडमिशन के लिए, एंड शी इज आस्किंग कि गाइड अबाउट मोटिवेशनल लेटर। मैं इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग टिप बताऊंगा आपको, बिलीव मी उसके बाद शायद ही आपको जरूरत है, ये आपको सुन के पता लग जाना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको खुद ही समझ आएगा। जो भी आपसे पहली बात के मोटिवेशनल लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो ऑब्वियसली दे आर चेकिंग इट, दे आर लुकिंग एट इट, उस पर देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस पर प्लेजरिज्म ना हो, प्लेजरिज्म होता है कि सिमिलैरिटी होती है मतलब किसी के साथ और आपने ऑनलाइन कॉपी ना किया। इसका सबसे बनाने का आसान तरीका क्या है कि आप गाइड्स डाउनलोड करें नेट से, सैंपल सैंपल जब आप करते हो आपका माइंड ऑटोमेटिकली 100 तो नहीं 50% या 60% कॉपी कर रहा होता है, तो वो ऑब्वियसली नहीं। आपने क्या करना है कि आपने गाइड्स पढ़नी, और इसकी मैं बताता हूँ कि आप आइडिया आप जो मैं दे रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है। मोटिवेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट या इस तरह का जो भी आपसे मांगा जा रहा है जो कि आपको पर्सनल आपकी क्वालिटीज को बयान करता है, इस तरह सोचें कि आप में से अक्सर का एक्सपीरियंस होगा बच्चों को पढ़ाने का, आप उनसे कहें कि जाओ भाई आप एक माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख कर लाओ, किसी ने कॉपी नहीं करना और बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब आप जब बच्चे लिख कर ले आएंगे, आपने फॉर एग्जांपल 10 बच्चे लिख कर ले आए, आपने पहला चेक किया, आपने कहा यार अच्छा है, दूसरा चेक किया, तीसरा, आपको पता लगा कि इन्होंने कॉपी नहीं किया लेकिन इनका माइंड एक तरह का, ये इस जगह से इन्होंने पढ़ा है या ये इस तरह से सोचते हैं और ये आपस में ये ग्रुप्स हैं, आपको पता लग जाएगा यार ये इस तरह कर गया, ठीक है। शायद ही कोई रेयर ऐसा हो बच्चा जो कि बड़ा यूनिक लिख के लाया हो, तो यू विल सी कि अच्छा इतना यूनिक, आप उसको पकड़ेंगे कहेंगे यार ये बड़ा बेहतरीन लिखा है, 10/10 मार्क्स आपने उसको दे दिए। सेम इज द केस विद दीज लेटर्स, कोई ना कोई बंदा इन्हें बैठ के पढ़ा है, वो ये नहीं देख रहा वो इसने गोल्ड मेडल लिया, एक गोल्ड मेडल हो गया उसके दो थे, इसका एक सिल्वर मेडल उसका, तो भाई एक गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल इक्वल होते हैं। सीवी के अंदर आप भी मेंशन कर चुके हैं, इट्स नॉट अबाउट यू नो राइटिंग अबाउट अच्छा इसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया उसने 6 में लिया, अब ये तो नहीं कर रहा ना कोई, इट मींस कि इट शुड बी अ स्टोरी, जो बंदा बैठा उसके पास दो ही ऑप्शन आपने छोड़ने हैं, या तो वो फाड़ के फेंक दे या वो कह के भाई रखना ही इसे। डोंट बी अ मीडियोकर, आप उन बच्चों में ना आए जिनका आप पढ़ रहे हैं वो एक जैसे लिखा, आपने कहा तो यार इसने भी उसी जगह से पढ़ा, पहला तो अच्छा लगा लेकिन आपको 3-4 बार पता लगा ये तो भाई एक जैसे ही है, इन्होंने तो लिखा हुआ ठीक है कॉपी नहीं किया, नो प्लेजरिज्म लेकिन स्टिल इज, तो ये सोच गए चेंज द स्टोरी, चेंज एवरीथिंग, गाइड भी पढ़े चेंज इट, शो योरसेल्फ इतने बेस्ट तरीके से शो करें कि यू कैन चेंज, मतलब इस तरह देखें कि आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते होंगे तो देर आर सम बुक्स जिनको आप एक रात में खत्म करते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आपको महीने महीने लग जाते हैं खत्म नहीं, तो राइट द लेटर इन सच अ वे कि उनके पास कोई और रास्ता ना हो और उसको ना दें, या तो वो फाड़ के फेंक या करें, तो दिस इज द योर स्टोरी। तो इसलिए कोई भी गाइड आपको यकीन करें ये नहीं बता सकती कि ये बेहतरीन है या अच्छी नहीं है या बुरी है, बिलीव मी, और सिर्फ स्टोरी आपको, क्योंकि बंदे बैठ के पढ़ रहे हैं इसको एंड यू हैव टू यू नो अमेज देम इन दैट टाइम पीरियड कि वो पढ़। मैंने एक लेटर फॉर एग्जांपल के तौर पे ना डोंट कॉपी इट, कि एक बच्चे का CGPA बड़ा वीक होता था तो ही यूज्ड टू राइट दिस काइंड ऑफ लाइन द स्टार्ट के आई मे नॉट बी यू नो गुड इन एजुकेशन बट दीज क्वालिटीज, इस तरह करके स्टार्ट करता था, और नॉर्मली इसके अंदर थर्ड में बात की जाती है कि आप अपनी क्वालिटीज डायरेक्ट नहीं एक्सप्लेन करते क्योंकि वो CV में पहले लिखी है, आपने नॉर्मली CV जा रही होती है, आपका प्रोफाइल जा रहा होता है, तो यू यू यू
राइट समथिंग जो कि आपकी क्वालिटी बयान करेंगे वो वाकई आपके अंदर मौजूद है, थर्ड यू नो लाइक थर्ड वे। तो अब मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जो भी बंदा चेक कर रहा है ही इज नॉट, उसने मार्क करना है कि ही शुड, उसको अम्यूज होना चाहिए आपका लेटर पढ़ गया। अब आप लिख यू नो द बुक्स, आप कैसे एक रात में जो खत्म करते हैं किताब पढ़ के और वो जो महीना भी आप खत्म कर पाते। सो दिस इज द ट्रिक, ये आप जब भी यूज करेंगे आपको, मुझे उम्मीद है कि या तो रिजेक्शन फॉर श्योर होगी या वो फॉर श्योर आपको सेलेक्ट करेंगे। यू ऑलरेडी, ठीक है, थैंक यू। स्टैंड आउट होना चाहिए इन सिंपली पुट, तो ये है कि आपका मोटिवेशन लेटर शुड बी अबाउट यू, कि स्टैंड आउट हो ताकि अगर आपका बाकी में आप लैक कर रहे हैं तो उन्हें नजर आए कि इसमें स्पार्क है, दिस पर्सन दिस स्टूडेंट विल बी गुड फॉर आवर यूनिवर्सिटी एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। मैं अगेन आपको शुक्रिया अदा करूंगी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। जिनके सवाल रह गए हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको बाद में जवाब देंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय एंड, एंड आई वुड आस्क वकार साहब टू आल्सो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह। Yes, I am trying to, I think so we are facing some difficulty to end the session, that's why we are still here. Yes, I think abhi tak session live chal raha hai.